मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर में भी मतदान का उत्साह देखते ही बना। स्वच्छता में नंबर वन इंदौर में सुबह से ही मतदान के लिए लाइनें लगना शुरू हो गई थी। सुबह मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा तो दिन चढ़ने के साथ मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता गया। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंची थी। लोग अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्रों तक आ रहे थे। कुछ स्थानों पर शाम 6 बजे तक भी लंबी लाइन होने पर टोकन वितरित किए गए। इस बार जिले में कुल 73.79% मतदान हुआ है, जो 2018 के मुकाबले 1.5% ज्यादा है। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्रामीण सीटों खासकर देपालपुर और सावेर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। देपालपुर में 82.4 और सावेर में 80.2% वोटिंग हुई है। शहरी सीटों में इंदौर 2 में सबसे कम 67.4 और इंदौर 5 में 67.90% वोटिंग हुई है। वहीं इंदौर 1 में 72.8% और इंदौर 3 में 71.24%, इंदौर 4 में 72.28% तो वहीं राव में 75.98% और महू में 77.35% वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होते ही केंद्रों पर भीड़ नजर आई। कुछ केंद्रों पर भीड़ सुबह 9 बजे के आसपास हुई। साथ ही मतदान केंद्र के बाहर जहां भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय नेता टेबलों पर डटे रहे, वही कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदान करने की अपील करते नजर आए। विधानसभा चुनाव के चलते इंदौर शहर की 5 और ग्रामीण की 4 मिलाकर 9 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। इसके लिए इंदौर जिले के 2561 मतदान केंद्रों पर तैयारी सुबह 5 बजे से हो गई थी। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, मतदान के चलते केंद्रों पर पुलिस की सख्ती भी नजर आई। हालांकि सुबह ठंड होने के चलते कुछ केंद्रों पर मतदान भी ठंडा रहा। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज जो हमने मतदान डाला है वो बहुत ही आवश्यक था हमारे लिए, और पहली बार डाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आगे आगे कैसा क्या होता है, कौन सी सरकार हमको हमारे लिए चुननी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम और सारी चीज़ें देख के हम आज इतने बड़े हो गए कि हम खुद के उसको खुद चुन सकें। इसलिए हमने फर्स्ट वोट डाला है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, देन वी गो टू एजुकेशन। सेकेंड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अदर फैसिलिटीज़ फॉर गवर्नमेंट डू गिव टू अवर सेल्फनेस एंड फॉर देन पुअर पीपल एंड एवरीथिंग वी हैड टू सू। आज 17 नवंबर को देपालपुर विधानसभा के अंतर्गत थाना बेटमा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में मतदान किया गया। मतदाताओं द्वारा थाना क्षेत्र के सभी 76 मतदान केंद्रों पर अपने मतों का प्रयोग किया गया और थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। पुलिस द्वारा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से निर्विघ्न रूप से और निर्भीक होकर मतदाता द्वारा मतदान किया जा सके, इस हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई और संसाधन उपलब्ध कराए गए, जिनसे आज थाना बेटमा द्वारा अपने थाना क्षेत्र में सभी 76 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।